नमस्कार दोस्तों, स्वागत है DTH टिप्स YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको नॉर्मल CRT टीवी में अपना मोबाइल वायरलेस कनेक्ट करके दिखाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पे CRT टीवी लगी हुई है, तो इसमें हम डायरेक्ट मोबाइल कनेक्ट करेंगे बिना कोई वायर जोड़े। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक HDMI to AV कन्वर्टर चाहिए। ये इसलिए चाहिए क्योंकि नॉर्मल CRT टीवी में HDMI का पोर्ट नहीं होता, तो वो आपको चाहिए। और ये डिवाइस आपको 600-650 में अमेजोन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। साथ में आपको दूसरा चाहिए क्रोमकास्ट चाहिए। ये डिवाइस होगा तो आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर पाएंगे अपने पुराने टीवी में। तो अभी इसको क्या करना है मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो एक ऑडियो वीडियो केबल है, तो ये केबल आपको अपने नॉर्मल टीवी में कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल टीवी, इसमें आपको ऑडियो वीडियो के स्लॉट मिल जाते हैं। एक यहाँ पे आगे दिया है और एक पीछे दिया है। काफ़ी टीवी में दो दो आते हैं, कुछ टीवी में एक आता है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो के लिए येलो में डालना है और ऑडियो के लिए वाइट और रेड डाल लेना है। देखिए हमारा 3RC केबल टीवी में कनेक्ट हो गया है। अभी 3RC केबल का दूसरा छोर है वो आपको HDMI to AV कन्वर्टर में डाल देना है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो साइड में आपको ऑडियो वीडियो का सॉकेट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो के लिए येलो डाल देना है, फिर ऑडियो के लिए रेड एंड वाइट डाल देना है। तो हमारा HDMI to AV कन्वर्टर टीवी में कनेक्ट हो गया। अभी दोस्तों ये 5 वोल्ट से काम करता है, तो इसको 5 वोल्ट देने के लिए आप मोबाइल का चार्जर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइड में तो USB एंड पावर ऐसा लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको ये केबल डाल देना है। फिर आपको एक क्रोमकास्ट चाहिए, तो इसको चलाने के लिए भी 5 वोल्ट चाहिए। तो इसके साथ आप क्रोमकास्ट लेंगे या यानीकास्ट लेंगे तो आपको एक ऐसा 5 वोल्ट का एडाप्टर मिलेगा, चार्जर मिलेगा। तो ये चार्जर का पोर्ट आपको क्रोमकास्ट में यहाँ पे साइड में डाल देना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब दोस्तों अब हमारा काम हो गया। हम अब आपको क्रोमकास्ट को HDMI to AV कन्वर्टर में कनेक्ट कर लेना है। तो HDMI to AV कन्वर्टर में साइड में देखेंगे तो HDMI का पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा इनपुट। तो यहाँ पे आपको ये डाल देना है। अब दोस्तों हम एनीकास्ट HDMI to AV कन्वर्टर एंड टीवी को प्लगिंग कर देते हैं। तो यह है क्रोमकास्ट का पिन, फिर ये है HDMI to AV कन्वर्टर का चार्जर एंड ये है टीवी का। तो हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप डालेंगे तो क्रोमकास्ट में आपको यहाँ पे लाइट देखने मिलेंगी, यानी कि आपका क्रोमकास्ट रेडी हो गया है और इसमें लाइट नहीं आती। अब हम टीवी को भी ऑन कर लेते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल CRT टीवी तो शुरू होने में थोड़ी देर लगती है, तो देखिए यहाँ पे आ गया। और ये थीम है वो आपको क्रोमकास्ट की नज़र आ रही है, अभी ये थीम है क्रोमकास्ट की है। तो दोस्तों हमारे टीवी में क्रोमकास्ट कनेक्ट हो गया है। दोस्तों अब आपको अपने मोबाइल में जाना है और इसका सेटिंग ओपन करना है। आप मोबाइल में सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कास्ट का। तो देखिए यहाँ पे कास्ट का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल में कास्ट का ऑप्शन नहीं है तो आप इसके लिए स्क्रीन मिररिंग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलरेडी ये मोबाइल में है तो मैं अभी कास्ट पर सिलेक्ट करता हूँ। देखिए आप कास्ट पर सिलेक्ट करेंगे तो जो हमारा क्रोमकास्ट है इसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा क्रोमकास्ट का नेम है नवजीवन सैमसंग LED TV, ऐसा लिखा है मैंने। तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया कनेक्टेड, और आप सामने देख सकते हैं टीवी में भी आ गया।
अब हम मोबाइल में कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे, गैलरी ओपन करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी करेंगे वो हमारे डायरेक्ट नॉर्मल टीवी में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं व्हाट्सएप ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कंप्लीट हमारा व्हाट्सएप चल रहा, हम मोबाइल से जो भी करेंगे वो सब कुछ चल जाएगा, यानी कि हमारा मोबाइल नॉर्मल टीवी में बिना कोई वायर जुड़े कनेक्ट हो गया है। खास बात यह है कि इसमें आप कैमरा ओपन करेंगे तो कैमरा भी आपको सही तरह से नज़र आ जाएगा, और कोई एप्लीकेशन है टीवी देखने की तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपका टीवी डायरेक्ट दिख जाएगा, कोई भी सेट बॉक्स या डिश लगाए बिना। देखिए यहाँ पे लाइव नेट टीवी में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल का डिस्प्ले है वो नॉर्मल CRT टीवी में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन ओपन की, अब मैं कोई चैनल प्ले करके दिखाता हूँ। तो समझ लो मैं Sony 6 प्ले करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा जो मोबाइल का डिस्प्ले है वो सीधा टीवी में चल रहा है। यहाँ पे देखिए मोबाइल में चैनल चल रहा है और वो टीवी में दिख रहा है। दोस्तों ऐसे आप नॉर्मल CRT टीवी में कास्टिंग कर सकते हैं और इसका मज़ा उठा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें, और आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।